हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली जहाँ भी होगे बहुत ही खुश होगे, बहुत ही स्वस्थ होगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं नीट 2024 के बारे में। तो नीट 2024 में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाए। वो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज हो सकता है एम्स दिल्ली हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको चाहिए। क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए? आप साल भर प्रिपरेशन करेंगे तो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आपको साल भर कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं, उन सब का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और रियलाइज़ करें कि अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज पाना बहुत ही आसान है। बस हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। अगर आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए अपना नीट 2024 में, तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ाई करनी है। मतलब हमारा स्टडी रिसोर्स क्या होना चाहिए, कहाँ से हम स्टडी करेंगे। बच्चों, स्टडी रिसोर्स कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, या स्टडी रिसोर्स कोई भी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। या तो कोचिंग में आप पढ़िए या ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़िए, लेकिन ये यकीन मानिए कि आपको एक ही रिसोर्स चुनना है, एक ही रिसोर्स। ये नहीं कि मैंने बच्चों को देखा यार एक टीचर को पढ़ लिया, फिर दूसरे टीचर को पढ़ लिया, फिर तीसरे टीचर से पढ़ लिया। नहीं, आप अगर टीचर बदलते रहेंगे तो यकीन मानिए आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपको कोचिंग में पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है। बच्चों, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अपन देखें तो अपनी स्कूलिंग क्योंकि ऑफलाइन पैटर्न में हुई है, तो ऑफलाइन कोचिंग को मैं ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा। ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स भी ऑफलाइन कोचिंग के आते हैं, इसलिए आप इन दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस है कि ऑफलाइन कोचिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है अपने कैरियर के लिए। आप ऑनलाइन भी चुनना चाहें तो ऑनलाइन भी चुन सकते हैं। ऑनलाइन में याद रखें कि ऑनलाइन में आपका प्यारा सा फिजिक्स पढ़ो चैनल है, आपको पूरी फिजिक्स ओनली 2000 रुपीज में अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए। चलिए, इसके बाद सबसे पहला पॉइंट तो ये है बच्चों, कहाँ से पढ़ना है अपने को, कहाँ से पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको बताया एक कोचिंग सेट कर लीजिए, उस कोचिंग से या ऑनलाइन क्लासेस से उसी से पढ़ना है। एक ही रिसोर्स होना चाहिए, ये नहीं कि आप घड़ी घड़ी हर महीने कोचिंग बदल रहे हैं, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कभी इस टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी उस टीचर से पढ़ रहे हैं। नहीं बच्चों, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। ऐसा टीचर चुनिए, ऐसा टीचर चुनिए जिसको पूरा सब्जेक्ट आता हो। फिजिक्स जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट फिजिक्स मेरे से पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट फिजिक्स बायो अगर आप एक ही टीचर से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग में तो प्री प्लान्ड होता है सब, आपका कोर्स कराने की जिम्मेदारी ऑफलाइन कोचिंग की होती है तो इतना सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो जरूर प्रेफर कीजिए कि एक ही टीचर पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा हो, या पूरी केमिस्ट्री या पूरी बॉटनी जूलॉजी पढ़ा रहा हो, उसको प्रेफर करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके रिसोर्सेज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका सारा सिलेक्शन इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप किन से पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स होने चाहिए और उनके कंटेंट को एक बार चेक कर लीजिए कि क्या उन्हीं से प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके रिजल्ट्स पे बिलीव करके जा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर रिव्यूज़ देख लीजिए कि कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, टाइमली पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट से सारे PYQs प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहाँ से प्रिपरेशन करें। उसके लिए मैंने आपको गाइड किया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आप चुन सकते हैं। दूसरी बात है बच्चों कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको जो ऑफलाइन कोचिंग में मॉड्यूल मिलते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जो मॉड्यूल मिलते हैं प्लस जो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस हैं, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको बार बार कीजिए, जो क्लास नोट्स के क्वेश्चन हैं उनको बार बार कीजिए। आप ऑफलाइन कोचिंग में हैं तब तो क्लास नोट्स आप बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर आप रिपीटर हैं तो ये नहीं कि आप पुराने नोट्स लेके क्लास में बैठे हुए हैं। बच्चों, मैंने बहुत देखा है कि बच्चे नोट्स लेके क्लास में बैठे रहते हैं, मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। आदमी क्या है, चुपचाप बैठा रहेगा तो वो लेथार्जिक हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, उसको नींद आने लग जाएगी, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा टीचर से। आप रिपीटर भी हैं तब भी पुराने नोट्स लेके
नहीं बैठना है क्लास में, आपको वापस से हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं तब भी वापस से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको? जो आप नोट्स बना रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, उन नोट्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। प्लस बेटा जी, जो आपको मॉड्यूल मिल रहा है आपकी कोचिंग में, उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कोचिंग में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी चीज़ें, ऑफलाइन कोचिंग में आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। लेकिन भरोसा कीजिए, जिस भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको जो मॉड्यूल मिल रहे हैं, वो प्लस क्लास नोट्स के सवाल, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। बच्चों, स्मार्ट स्टडी का मतलब है कम पढ़ें लेकिन उतना पढ़ें कि 100% मार्क्स आ जाए। तो कोई भी मॉड्यूल किसी भी कोचिंग का, रेप्यूटेड कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग में रेप्यूटेड कोचिंग का, वो मॉड्यूल सफिशिएंट होते हैं। और दूसरी बात, क्लास नोट्स, इन दोनों को ही आपको बार बार सॉल्व करना है, कोई इधर उधर की बुक सॉल्व नहीं करनी है। तीसरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, केवल PYQs के आसपास की चीज़ें ही पढ़ लेते हैं। बच्चों, PYQ आपको, PYQ मतलब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, PYQ आपको ज़रूर करने हैं। PYQ करने से आपको एक आइडिया होता है कि यार, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, फिजिक्स में हर साल उससे सवाल आते ही हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी जो अपने पास आइंस्टीन इक्वेशन है, उससे हर बार सवाल आते रहते हैं। तो ऑप्टिक्स के सवाल हर बार आते रहते हैं। PYQ करने से अपने को ये पता लगता है कि किस प्रकार से नीट का पेपर बनने वाला है, तो हम उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें या उन टॉपिक्स को थोड़ा सा बाद में पढ़ें जिनसे क्वेश्चन कम आता है। लेकिन सारी प्रिपरेशन PYQ के आसपास नहीं होनी चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, कंप्लीट टॉपिक्स पढ़िए। ये नहीं कि PYQ के राउंड अबाउट जो PYQ में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के टॉपिक्स देख लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, कंप्लीट टॉपिक्स आपको पढ़ना है। हाँ, PYQ करने से आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक वीक है, किसमें मैं ज़्यादा टाइम दूँ, किसमें मैं कम टाइम दूँ। इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने अपने को सारे टॉपिक्स ही हैं। फिर एक और मेजर चैलेंज मैंने देखा है, बच्चे बार बार मेरे से ये पूछते हैं, सर कि NCERT पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। बेटा जी, बायो के लिए तो मेरे को कहने की ज़रूरत है नहीं, बायो के लिए NCERT से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो बायो पढ़ाते हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया, हर कोई ये बोलता है कि बायोलॉजी में आपको NCERT के बाहर का कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है। तो बायो में तो हमारी गीता, बाइबल, कुरान, वो सब NCERT ही है। अब मैं बात अगर फिजिक्स की करूं तो बच्चों, IIT के लिए और मेडिकल के लिए, दोनों के लिए क्या है, फिजिक्स की किताब सेम है। अब फिजिक्स की चार किताबें हैं, आपको पता हो तो, फिजिक्स की चार बुक्स हैं, 2 11th की, 2 12th की। फिजिक्स की चार किताबें पढ़ ही नहीं सकता अगर फ्रेशर रिपीटर का बच्चा है ना, तो एक साल में NCERT की चार किताब पढ़ी नहीं जा सकती है। बात इतनी सी है फिजिक्स की, क्योंकि वो क्या है, बहुत डेप्थ में उसमें चीज़ें समझा रखी हैं, एक एक लाइन के बीच में ही इतनी सारी चीज़ें कि वो आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो नीट के लिए अगर आप मेरे से पूछते हो फिजिक्स की NCERT रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, मैं बोल रहा हूँ नहीं रिक्वायर्ड है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई NCERT से सवाल आते हैं, इस टीचर तो बोल रहा है कि NCERT रिक्वायर्ड नहीं है। ध्यान से सुनना, नीट के लिए NCERT रिक्वायर्ड नहीं है। NCERT से जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको या तो मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे कि नीट के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT, या तो वो बुक खरीद लीजिए, या फिर आप जिस कोचिंग में पढ़ते होंगे उस कोचिंग में नीट से रिलेटेड जो NCERT के सवाल होंगे वो मॉड्यूल में ऑलरेडी दे रखे होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स में NCERT पढ़ के टाइम पास ना करें, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन तो NCERT में क्या है, बहुत ही बेसिक से होते हैं, वो तो हो जाएंगे तुमसे। कुछ बहुत ही टिपिकल से क्वेश्चन होते हैं जो नीट के लिए रिलेवेंट ही नहीं है, तुम तो उसमें लगोगे तो फालतू का टाइम पास कर रहे होगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए आप फिजिक्स में NCERT ना पढ़ें। फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए, या तो आप एक बुक खरीद लें जिसमें नीट बेस्ड क्वेश्चन हो NCERT पर बेस्ड, और या फिर आपके जो कोचिंग में आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको मॉड्यूल में नीट के रिलेवेंट क्वेश्चन NCERT से बने हुए दिए होंगे। तो आपको फिजिक्स की NCERT पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप नीट के क्वेश्चन दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। नीट के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे फिजिक्स में, जो भी NCERT से रिलेटेड हैं उनके लिए आप या तो पैकेज दे सकते हैं, मॉड्यूल देख सकते हैं अपनी कोचिंग का, या फिर बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे अभी ये मेरे से पूछने आते हैं कि सर स्टार्टिंग कहाँ से करें। यार, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए। अब मैं फिजिक्स की जैसे बात करूँ
तो फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ्स, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, बेसिक मैथ्स पढ़ना चाहिए और फिर वेक्टर पढ़ना चाहिए। अब उसमें क्या है, एरर पढ़ना चाहिए। इसमें यूनिट डायमेंशन वाला पार्ट मेरे हिसाब से 11th में अगर बच्चा अभी है तो यूनिट डायमेंशन वाला पार्ट बाद में कराना चाहिए। फ्रेशर रिपीटर का बच्चा है तो उसे साथ में यूनिट डायमेंशन पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर आपने क्वांटिटीज नहीं पढ़ी होंगी तो तुम्हें रटनी पड़ेंगी, तो रटोगे तो वो भूल ही जाओगे। तो अगर कोई बच्चा 11th में है वो पढ़ रहा है तो यूनिट डायमेंशन का टॉपिक वो लास्ट में पढ़े, और फ्रेशर रिपीटर 12th पास बच्चा है तो फिजिक्स की स्टार्टिंग वो बेसिक मैथ से करे, वेक्टर्स से करे, एरर और यूनिट डायमेंशन से करे। ये टॉपिक्स वो ज़रूर करे। इसके बाद फ्रेशर या रिपीटर का बच्चा या तो 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर सकता है या 12th की। ऐसा कुछ नहीं है कि 11th की फिजिक्स नहीं होगी तो 12th की नहीं हो सकती, ऐसा बहुत सारा रिलेटेड नहीं होता है। आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक से चालू कर सकते हैं और 11th में 1D वगैरह से चालू कर सकते हैं। तो लेकिन आपको अगर फिजिक्स की स्टार्टिंग करनी ही है, थोड़ा ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे इसलिए क्योंकि फिजिक्स से डर लगता है बच्चों को, तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स की स्टार्टिंग तुम्हें कहाँ से करनी चाहिए, बेसिक मैथ से करनी चाहिए, वेक्टर्स पढ़ने चाहिए, फिर एरर और यूनिट डायमेंशन एरर ये पढ़ना चाहिए। उसके बाद या तो 11th की फिजिक्स या 12th की फिजिक्स वो आप चालू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए क्या पढ़ना चाहिए मैंने बता दिया, क्या पढ़ना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करूं, क्या पढ़ना चाहिए। अपने को एक कोचिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑफलाइन कोचिंग को, या तो रेप्यूटेड कोचिंग रिजल्ट्स देख लीजिए, या फिर ऑनलाइन में भाई ऐसे टीचर पकड़िए जो सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, सारी बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाते हो और प्रीवियस उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, उनको पढ़ के उन्हीं के कराए हुए सवाल, उन्हीं के दिए हुए मॉड्यूल्स केवल वही करें। बहुत सारी बुक्स करने की कोई ज़रूरत नीट में नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स चाहिए। एक ऑफलाइन कोचिंग चुनिए या एक बढ़िया टीचर चुनिए, जो वो मटेरियल दे रहा है वही सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए। अब किस तरीके से पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले मोस्टली आपको क्लास में 99% समझ में आ जाना चाहिए टॉपिक। माइंडेड क्लास में जो बोला गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को बड़ी सिंसियरली सुनिए, बड़ी सिंसियरली वहाँ पे बैठिए। हर बच्चा पढ़ता नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन में। आपका लक्ष्य एकदम निर्धारित कीजिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है फुल कंसंट्रेशन करिए, और 99% मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ मिस नहीं करना है। क्लास का पढ़ाया हुआ 100% तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट काउंटर पे अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, किसी भी तरीके से उनसे संपर्क कीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आया है उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात है पढ़ने का क्या तरीका है, क्लास में सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्लास में सब कुछ समझ में आना चाहिए। और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि सोते सोते नोट्स बना रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स समझते हुए बनाइए, फिर घर पे जाके उन्हीं नोट्स को रिवाइज कीजिए। और क्लास में ऑब्वियसली क्वेश्चन कराए होंगे, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, उन चैप्टर्स के थ्योरी रिवाइज कीजिए, उनके क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। अगर मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन लगाइए। तो पढ़ने का क्या तरीका है, क्लास में समझिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, घर पे आके जो क्लास के क्वेश्चन है वो रिवाइज कीजिए, अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से और रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन कीजिए। फिर अगर मंडे की क्लास है तो आप मंडे को रिवीजन कीजिए। बेटा जब ट्यूसडे को आप घर पे रिवीजन करने आए क्लास के बाद, तो पहले मंडे का रिवीजन कीजिए फिर ट्यूसडे का। जब वेडनेसडे को आप रिवीजन करने बैठे वेडनेसडे की क्लास के बाद, तो पहले मंडे का रिवीजन फिर ट्यूसडे का रिवीजन फिर वेडनेसडे का रिवीजन। बच्चों मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जब तक नहीं होगा ना तब तक सफलता नहीं मिल सकती है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको, मंडे की क्लास के बाद मंडे का रिवाइज कीजिए, ट्यूसडे की क्लास के बाद मंडे और ट्यूसडे दोनों का रिवाइज कीजिए, वेडनेसडे की क्लास के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबका रिवाइज कीजिए। जब शनिवार की क्लास के बाद आप रिवीजन करेंगे तो मंडे की क्लास का 6th टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, बड़ा क्विकली रिवाइज होगा अगर आपने बड़ा सलीके से पढ़ा हुआ है तब, है ना। तो पढ़ना किस तरीके से है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो संडे को जो आपका टेस्ट होता है, यार जब तुम सैटरडे को पढ़ाई करोगे अपनी रूटीन पढ़ाई, कि मैं सैटरडे को पढ़ रहा हूं तो पहले मंडे का पढ़ा, फिर ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, तो यार तुम्हारे तो संडे को जो टेस्ट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो गई, तुम्हें कुछ अलग करना ही नहीं पड़ा। जब आप
जो काम करने वाले हो वो नॉर्मल काम की तरह सोचोगे, रोजमर्रा के काम की तरह सोचोगे, तो आप डरोगे नहीं, झिझकोगे नहीं। अच्छा कल टेस्ट तो कोई बात नहीं, अपन तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, टेस्ट की तैयारी हो गई अपनी, है ना। तो ऐसा शेड्यूल बनाइए कि अपने को टेस्ट के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़े। तो ये सारे स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं, ठीक है। और ये एक हफ्ते की बात नहीं है, आपको ये पूरे साल भर फॉलो करने हैं। किस तरीके से पढ़ना है उसे गौर से सुन लीजिए वापस से, ऐसे ही पढ़ेंगे तो सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या है, बहुत सारे बच्चे मेरे से मिलके पूछते रहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन सवाल नहीं हो रहे, या सवाल ही नहीं हो रहे सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब अगर सवाल नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चों के नहीं होते हैं सवाल, तो यार आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे ना सवाल तब बनेंगे। क्या है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है और उसको कैसे अप्लाई करना है कि क्वेश्चंस होने लग जाएं। अब ये बीच में जो अप्लाई करना है ना, इसमें दिमाग लगता है, तो जो पढ़ाया गया है उसको कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूंगा तो पहली बार में मेरे से सारे सवाल हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे। आपको टीचर ने पढ़ाया, घर पे जाके एक बार सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो, सवाल सॉल्व नहीं हुआ टीचर से डाउट पूछो, ठीक है, टीचर से डाउट पूछो कि ये कैसे कैसे होगा। फिर टीचर से डाउट पूछ लिया, अगले दिन जो भी आपको सवाल दिए गए टीचर ने डिस्कशन किया, टीचर से डिस्कशन किया तो फिर डिस्कशन में वही डाउट पूछो कि यार सर ये कैसे होगा। फिर घर पे कोशिश करो, और फिर माइनर जब देने जाओ, टेस्ट देने जाओ, तब एक बार फिर से टीचर से डाउट्स पूछो। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम डिस्कशन करना है टीचर से कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेकिन बार बार उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, बार बार उन्हीं क्वेश्चन को भिड़ते रहना है। एक बार जब टीचर ने पढ़ाया तब घर जाके दिमाग लगाइए, फिर जब शीट डिस्कशन के लिए बोला जाए तब दिमाग लगाइए, टीचर से बार बार डाउट पूछिए, माइनर जब देने गए तब दिमाग लगाइए। तो अपने आप जब उन्हीं क्वेश्चन से बार बार आप लड़ेंगे तो वो करना आ जाएगा। और नीट में क्या है, बहुत आसान सवाल आते हैं, लेकिन हाँ पहली बार में हो सकता है सवाल आपसे नहीं हो, तो पहली बार में सवाल नहीं हो तो सवाल सॉल्व करने का क्या तरीका है मैंने बताया आपको। अगर पहली बार में सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो सवाल सॉल्व होंगे कई बार रिवीजन करते हुए। आप बार बार क्लास नोट्स पढ़ें, बार बार दिमाग लगाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल करने का तरीका क्या है। लड़ना पड़ेगा सवालों से तो सवाल होने लग जाएंगे अपने को। हाँ सब चीज़ आइडियल नहीं होती, देखो कि आपने जैसे शेड्यूल बनाया कि मैं 8 घंटे डेली पढ़ूंगा, तो यार 8 घंटे नहीं भी पढ़ पाओ तो 8 घंटे के जितना करीब पढ़ पाओ, 5 घंटे पढ़ पाओ तो उसमें भी खुश रहो, है ना। तो बात इतनी सी है कि एक आइडियली क्या होना चाहिए कि हमने एक बार पढ़ाया टीचर ने तो आपको घर जाके सारे सवाल हो जाने चाहिए, लेकिन आइडियली इतना आदर्श होता नहीं है। हमने 20 सवाल दिए, उसमें से हो सकता है शुरुआत में 5 ही होंगे, लेकिन उन 15 से लड़ते रहो। जब 5 तो तुमसे हो गए, 15 से लड़ो। अब क्लास में जब डिस्कशन हुआ तो फिर पूछो कि ये 15 के 15 सवाल क्यों नहीं हुए। अच्छा डाउट पूछने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करो कि जो सवाल आपसे नहीं हुए क्यों नहीं हुए। क्या आपको उसका फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, क्या फॉर्मूला लगा दिया लेकिन मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं हो रही है, या आपको उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है। आप उस क्वेश्चंस की रिसर्च करो कि क्वेश्चन ना होने का क्या कारण है। तो बहुत सारा कारण तो आप ये पाओगे बेटा जी कि क्वेश्चन ना होने का कारण ये है कि हमें वो जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तब हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मेजॉरिटी बच्चा तो इसलिए सवाल नहीं कर पाता है क्योंकि उसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो इसलिए नीट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, लेकिन मल्टीपल रिवीजन आप ज़रूर करते रहिए, ठीक है। फिर बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हम तो हर साल पढ़ लेते हैं लेकिन हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, बच्चों आप डेली डेली कम से कम 1 घंटा निकालेंगे बैक पोर्शन के रिवीजन के लिए, बैक पोर्शन के रिवीजन। अब क्या है, शुरुआत में जब आप प्रिपरेशन चालू करेंगे तब तो कोई बैक पोर्शन होगा नहीं, इसलिए शुरुआत में आप डेली का डेली पढ़ते रहें। लेकिन कैसे पढ़ें, मंडे का मंडे को, ट्यूसडे को मंडे, और ट्यूसडे दोनों का ऐसे ही पढ़ें। लेकिन 1 महीने होने के बाद जब आप प्रिपरेशन चालू कर देंगे तो 1 महीने बाद कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे जो 30 दिन पहले आपने पढ़े हुए हैं। तो भैया डेली रिवीजन का 1 आवर निकालिए। जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो कीजिए, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। आप डेली 1 आवर निकालेंगे बैक पोर्शन रिवाइज करने के लिए, उसमें कम समय में थ्योरी पढ़ेंगे और ज़्यादा समय में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कंपटीशन में अप्लाई करना है नॉलेज, तो नॉलेज अप्लाई करने के लिए
आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप बैक पोर्शन रिवाइज करें, तो बैक पोर्शन के रिवीजन में शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करें, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका है, जरूर बनाएं शॉर्ट नोट्स, लेकिन बेटा जी शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, जैसे आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा कि मान लीजिए ग्रेविटेशन के आप शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, तो ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स में आपने ये मासेस बना दिए M1, ये मास बना दिया M2, ये अर्थ मान लिया और ये मून वगैरह मान लिया। तो एम्स में क्वेश्चन भी है कि रॉकेट को जाने में ज़्यादा समय लगता है कि आने में ज़्यादा समय, तो आपने केवल शॉर्ट नोट्स में ये दो लाइनें बनाई, ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि मोर फ्यूल। अब आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट नोट्स में केवल हिंट लिखनी है, शॉर्ट नोट्स में केवल हिंट लिखिए, बाकी अपने दिमाग पे छोड़िए कि दिमाग खुद बोलेगा कि हाँ ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ का मास ज़्यादा होता है तो ज़्यादा देर तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इसका डोमिनेट करेगा, ये सब दिमाग बोल रहा है, और मून का मास कम है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कम दूरी तक लगेगा, बीच में कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जाने में यहाँ से यहाँ तक इंजन ऑन रहेगा, इसके बाद इंजन ऑफ कर देंगे फिर मून खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा, जब वापस आएंगे तो इंजन केवल यहाँ से यहाँ तक ऑन रहेगा, उसके बाद इंजन ऑफ कर देंगे तो वापस से सैटेलाइट, ये जो रॉकेट है वो वापस से कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ पे। तो जाने में ज़्यादा फ्यूल लग रहा है और आने में कम फ्यूल लग रहा है। अब ये सब चीज़ नहीं लिखनी है शॉर्ट नोट्स में, ये सब दिमाग बोलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स में केवल क्या लिखना है कि एक मास M1 है, एक मास M2 है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा दूरी तक रहेगा, इसलिए वहाँ से जाने में फ्यूल का कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब तुम्हें केवल इतना लिखना है, बाकी सब काम दिमाग पे छोड़ दो, ये नहीं लोग शॉर्ट नोट्स भी नोट्स की तरह बना लेते हैं, नहीं, आपको मेंटली सब कुछ रिवाइज करना है भाई, मेंटली सब कुछ रिवाइज करना है, समझ रहे हो क्या। यहीं पे जब आप रिवीजन करोगे, जब आप स्टडी करोगे, तो बच्चों मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप जब भी स्टडी करें तो जैसे 2 आवर्स आपने कंटिन्यूअसली स्टडी कर ली, तो 2 आवर्स स्टडी करने के बाद आप बुक्स क्लोज करके मेंटली रिवाइज करें, मेंटली सोचें कि हमने 2-2 घंटे में क्या पढ़ा। हमने पहले 2 घंटे में पढ़ा कि भाई जो वायर होता है, जैसे मान लिया करंट डेंसिटी हमने पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि वायर में जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो करंट कितना होता था, 0 होता था, मेंटली रिवाइज कर रहे हैं अपन। लेकिन जो आसपास टेम्परेचर था उससे थर्मल स्पीड होती थी, थर्मल स्पीड का ऑर्डर 10^5 था, ये स्पीड बहुत ज़्यादा है फिर भी करंट 0 क्यों होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था। तो रिवाइज करते चले हमने क्या पढ़ा कि फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आया, फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए, उनको एक ड्रिफ्ट स्पीड मिली और करंट फ्लो हो गया। तो अपन रिवाइज करते चलें, डेरिवेशंस आए थे, ये करंट एक्सिटी का स्टार्टिंग पार्ट चल रहा है तो डेरिवेशंस आए थे बहुत सारे फॉर्मूले के, कि VD बराबर म्यू ई कैसे आया, J = σE कैसे आया, I = NAEVD कैसे आया। तो अपन ने 2 घंटे में जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें अपन, है ना। तो आप 2-2 घंटे में पढ़िए और उसके बाद 10-15 मिनट गैप लेते हुए मेंटली रिवाइज कीजिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग में जा भी रहा है कि बस बुक खुली हुई है और हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए इन सब पॉइंट्स को याद करते हुए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे से ये बोलते हैं कि सर हमारी सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, साल भर रहेगा ये लोगों का, सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती रहती हैं। बच्चों सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स तभी होंगी जब आपने ध्यान से सवाल नहीं कर रहे हो आप, तो ध्यान से क्वेश्चंस सॉल्व करो, या आपको कन्फ्यूजन है फॉर्मूलेज में कि यार यहाँ पे ए की वैल्यू dV/dt लिखनी है कि यहाँ पे ए की वैल्यू V final - V initial/t लिखनी है, अब तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम उसे बोल देते हो सिली मिस्टेक है। तो यार सिली मिस्टेक का मतलब है कि आपने जब टॉपिक पढ़ा है उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। फिर वही बोलूँगा, मल्टीपल रिविजन, आपको बार बार सिंगल चीज़ को रिवाइज करना है। अगर बार बार एक ही चीज़ को आप रिवाइज करोगे तो यकीन मानिए नीट 2024 में आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कैलकुलेशन की जहाँ तक बात है, यार नीट में कोई लेंथी कैलकुलेशन आती नहीं है, कैलकुलेशन मेरे से होती नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है तो वो या तो ऐसे सवाल लगा लेता होगा जेई एडवांस के, जिसमें बहुत सारी मुश्किल कैलकुलेशन आती है, वरना नीट के PYQs में तो कोई ऐसी मुश्किल कैलकुलेशन वाले सवाल होते नहीं है। अगर आप 2 × 2 = 6 लिख रहे हैं तो यार आप फिर वही लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, आप ढंग से कॉन्सेंट्रेट होके नहीं कर रहे हो सवाल, ध्यान इधर उधर भटक रहा है आपका।
तो ध्यान बिना भटकाए हुए आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो फिर मिस्टेक नहीं होगी। अगर फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना रहती है वहाँ पे धीरे गाड़ी चलाइए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो धीरे धीरे कैलकुलेशन मिस्टेक करो। अब ऐसे मत बोलना धीरे धीरे कैलकुलेशन करता हूँ मैं तो सवाल कम अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। मान लीजिए तुम 50 सवाल अटेम्प्ट कर रहे थे जल्दी जल्दी और 40 ही सही हो रहे थे, अरे तो मैं बोल रहा हूँ यार 42 ही अटेम्प्ट करो, कम से कम 41 सही होंगे, तो इससे तो एक सवाल ज़्यादा ही सही हुआ है। तो आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे अपने को कि अपन स्लो हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। एक लास्ट बात मैं और बताऊंगा, फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है तुम्हें, फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है कि सर सारा समय बायो और केमिस्ट्री ले लेती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बायो और केमिस्ट्री में सारा समय चला जाता है, फिजिक्स में नहीं जाता। देखो आज की डेट में 620 है कट ऑफ, ये मान के चलो 610 है कट ऑफ, ये मान के चलो 600 है कट ऑफ, ये तो मान के चलना ही चलना पड़ेगा। तो 600 अगर नंबर आपको चाहिए तो यार 300 150 150 ये नंबर बन रहे भाई, ये बायो में, ये फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में, ये लीस्ट है, कम से कम है। अब वो तो बायो में नंबर बढ़ जाएंगे तो तुम्हारे कट ऑफ इंक्रीज कर जाएगा, तो कोई भी सब्जेक्ट वीक होने से तो सिलेक्शन होगा नहीं। इसलिए प्रॉपर समय दो, फिजिक्स को कम से कम 2 घंटे ज़रूर दो यार, डेली के 2 घंटे देने हैं फिजिक्स को, और 1.5 घंटे में से कम मतलब ये 2 घंटे में से कम 1 घंटे या उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, थ्योरी कम होनी चाहिए। फिजिक्स का रिवीजन भी जब आप करेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाइए, जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं 1D, आपका खत्म हो गया तो 1D में डायरेक्टली आप ये नहीं कि पढ़ना चालू किया कि 1D का मतलब क्या है, मोशन क्या है, मोशन रिलेटिव क्वांटिटी, अरे वो सब मत पढ़ो, डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओ कि पहला क्वेश्चन गुरुजी ने करवाया हुआ है डिस्टेंस का, तो डायरेक्टली अपन देखें कि पहला क्वेश्चन तो रेगुलर हेक्सागन का करवाया था सर ने और बोला था इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डायरेक्टली सवाल सॉल्व करें अपन, जो सवाल सॉल्व नहीं हो उसके ऊपर की थ्योरी पढ़ लें बस। तो रिवीजन के लिए आपको फिजिक्स में क्या करना है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, बैक पोर्शन को आपको डेली 1 घंटा देना है, डेली 2 घंटे कम से कम फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटे करंट पोर्शन पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे बैक पोर्शन को देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट लास्ट में बच्चे बहुत सारे मेरे से मिले, वो बोलते हैं सर हम बहुत लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बहुत लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं तो ये तो वही बात है, सपनों में जिनके जान होगी ना वही पढ़ पाएगा यार, आपके अंदर खुद डेडिकेशन होना चाहिए यार, डेडिकेशन ये होना चाहिए कि यार अगर डॉक्टर नहीं बना तो यार सब खत्म है। अब जब वो डेडिकेशन आएगा ना तो अपने आप लंबे लंबे 2 2 घंटे 3 3 घंटे 4 4 घंटे तक अपनी सीट से नहीं उठोगे, तो डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए कि यार मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, इसके अलावा कोई और उपचार नहीं है। अगर आपके सपनों में जान होगी ना तो अपने आप पढ़ने लग जाओगे, डेडिकेशन होगा तो क्लास में आप सिंसियर रहोगे, आपको क्लास में टीचर की बात समझ में भी आएगी, आप 2 से 3 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ भी पाओगे, ये नहीं कि आधे घंटे पढ़ते हैं फिर अपना दिमाग इधर उधर चला जाता है, ऐसा नहीं होगा अगर डेडिकेशन होगा। अगर आप 2 3 घंटे एक साथ सीट पर नहीं बैठ पाते हैं इसका मतलब डेडिकेशन में कमी है, कोशिश कीजिए कि डेडिकेशन बढ़े ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो डेडिकेशन बनाइए यार, नीट डॉक्टर बनने के बाद आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यकीन मान के चलिए। लास्ट में बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट कर लें ताकि रिवीजन करना पड़े। यार अगर आपका कोर्स नीट के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले भी ख़त्म हो रहा है ना तो 1 महीने में भी बहुत रिवीजन हो सकता है, लास्ट 1 महीने में। तो ऐसी कोई डेट अभी सेट करके मत चलना कि मेरे को जनवरी तक कोर्स कंप्लीट करना है या फरवरी तक करना है, ऐसी कोई डेट सेट नहीं है। अगर कोचिंग में आप एडमिशन लोगे तो कोचिंग्स तो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक कोर्स कंप्लीट कराती हैं, उसके बाद इनफ टाइम रहता है रिवीजन का। आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तब भी यार 1 महीने, जब अगर जैसे मान लीजिए मई में पेपर है तो अप्रैल तक भी आपका कोर्स होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, 1 महीने में मोर देन इनफ रिवीजन हो सकता है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। अगर वैसे पढ़े होगे तो यार साथ साथ में सब रिवीजन होता रहेगा। तो बच्चों फिजिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। फिजिक्स के लिए मैं अलग से बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन यार हर कोचिंग के मॉड्यूल में होते हैं, हर टीचर के लेक्चर में होते हैं, अगर वो टीचर वो कोचिंग एक्सपीरियंस्ड है तब, ठीक है। तो एनसीईआरटी फिजिक्स की रिक्वायर्ड नहीं है, आप एक एक्सपीरियंस टीचर के छत्र छाया में जाइए, वो सब बता देगा आपको। फिजिक्स डेली पढ़नी है, घबराना नहीं है, डेली का डेली पढ़ेंगे, क्लास में थोड़ा डेडिकेशन लाएंगे, लंबे लंबे घंटों तक आप पढ़ते रहेंगे, ज़रूर यकीन मानिए कि नीट में सिलेक्शन बिल्कुल आसान होगा। तो बच्चों मिलते हैं
आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं सबको बोल दूं कि अभी कुछ समय के लिए केवल 2000 रुपये में अपनी कंप्लीट फिज़िक्स वो मिल रही है, कंप्लीट फिज़िक्स। आप फिज़िक्स पढ़ो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, आईफोन या एंड्रॉयड दोनों में ही है वो ऐप। और फिर आप 2000 रुपये फ़ोन पे कर सकते हैं 7568295658 इस नंबर पे, और फिर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें कंप्लीट फिज़िक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर बेटा जी।